हेलो जी, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गॉव स्टेट। तो भाई आजकल बहुत अच्छी अच्छी फोटो कैमरा या फ़ोन से आ जाती है, बट फिर भी वो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लायक नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतना आपका फेस पे ब्राइट नहीं होता। लेकिन जब आप उन्हीं फोटो को थोड़ी सी कलर रिटचिंग कर लोगे लाइट रूम के अंदर, तो फोटो आपकी बहुत ही औसम बन जाती है। एंड आज की इस वीडियो में आपको कलर रिटचिंग करना ही सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल, चार स्टेप के अंदर। तो फिर वीडियो को जल्दी से कर दे एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। एंड चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइस, कुछ इस टाइप की फोटो आती है हमारे कैमरा या फोन से, तो हम लोग इसे एडिट कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइट रूम के अंदर। जैसे ही हमारा फोटो लाइट रूम के अंदर आ जाएगा, उसके बाद हम लोग ओपन करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन को। एंड गाइस, लाइट रूम को ओपन कर लेने के बाद हम लोग स्टेप वन लाइट एडजस्टमेंट करेंगे। स्टेप वन, तो अपने फोटो को लाने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑटो का ऑप्शन दिखता हो, तो ऑटो पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको हमारे फोटो के अंदर लाइटिंग का जो है वो परफेक्ट फिक्स हो जाता है। तो एंड अगर थोड़ा बहुत अगर इधर उधर चले जाए तो वो आप लोग को यहाँ पे आने के बाद आप फिक्स कर सकते हो। जैसे अगर लाइटिंग ऑप्शन में चले जाना है, यहाँ पे आपके फोटो के अंदर जिस चीज़ की भी कमी रह गई हो आप यहाँ से उसे पूरा कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, जैसे 7 तक, तो मैं इसे 5 के आसपास रखता हूँ। एंड यहाँ पे जो शेडो का ऑप्शन देख रहा आप लोग को, शेडो को इंक्रीज कर देना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शेडो को इंक्रीज करने के, अगर आप फोटो के अंदर आपका जहाँ पे डार्क एरिया होगा वो इसे वाइट कर देता, डार्क एरिया को खत्म कर देता बिल्कुल इस शेडो को इंक्रीज करने से। एंड व्हाइटनेस को भी आप लोग को इंक्रीज कर देना, जिससे आपके फोटो के अंदर व्हाइटनेस की कमी को खत्म कर देगा ये। एंड गाइस, जो हमारा जो स्टेप वन था, स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका, तो अब हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ। तो कलर ग्रेडिंग करना स्टेप टू, तो हम लोग कलर वाले ऑप्शन में चले आते हैं। एंड कलर वाला ऑप्शन में आने के बाद, कलर वाला ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, टेम्परेचर, टिंट, विवरेंस एंड सैचुरेशन। तो आप लोग को यहाँ पे विवरेंस को इंक्रीज कर देना, फुल इंक्रीज कर देना। बोले तो कुछ मैं 81 के आसपास रखता हूँ अगर, एंड आपको इतना भी लगता है कि कलर कुछ ज़्यादा हो गया, विवरेंस कुछ ज़्यादा हो गया, तो आप लोग को यहाँ पे सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना। ओके, एंड आप लोग को ऊपर की तरफ जो टेम्परेचर दिख रहा है, अगर आप इस लोग को इसे इंक्रीज करते हो तो आपका फोटो के अंदर कुछ येलो इफेक्ट देगा, एंड अगर माइनस में रखोगे तो ब्लू इफेक्ट देता। तो मैं यहाँ पे ब्लू इफेक्ट की कमी है हमारे फोटो के अंदर, तो मैं इसे ब्लू रखने के लिए माइनस करता हूँ। एंड टिंट जो है, टिंट करने के लिए आप लोग को यहाँ पे टिंट को इंक्रीज कर देना, जिसे अगर आप इसे इंक्रीज करोगे तो आपके फोटो के अंदर पिंक टोन देता है, पिंक इफेक्ट, एंड अगर डिक्रीज करोगे तो ग्रीन इफेक्ट देता। तो मैं इसे पिंक इफेक्ट करने के लिए +4 रखता हूँ। एंड गज ऊपर की तरफ आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा मिक्स टूल, तो आप लोग को मिक्स टूल में चले जाना। एंड गज मिक्स टूल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है रेड कलर, वहाँ पे अगर आप लोग हुए को इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो फोटो के अंदर आपका जहाँ पे भी रेड या फिर पिंक कलर है उसको यहाँ पे ये इफेक्ट देती है। जैसे कि मैं अगर हुए को डिक्रीज कर तो लिप के ऊपर ही हमारा इफेक्ट ला रही है। एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो ऑरेंज कलर, वहाँ पे हम लोग आने के बाद सैचुरेशन को डिक्रीज एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करेंगे, जिससे हमारा यार फेस ब्राइट होगा। सैचुरेशन को डिक्रीज एंड लुमिनेंस को इंक्रीज करोगे, अगर सेकंड ऑप्शन जो ऑरेंज कलर है उसको आने के बाद, तो आपका फेस को यहाँ ब्राइट करता है ये। एंड जो थर्ड ऑप्शन जो है येलो कलर में आता हूँ, एंड येलो कलर में आने के बाद सैचुरेशन को आप लोग को बिल्कुल ही डिक्रीज कर देना, हुए को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आप लोग को, सिर्फ सैचुरेशन को डिक्रीज कर देना। एंड जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर में चले आना आपको, एंड ग्रीन कलर का अगर हुए आप माइनस करोगे तो आपका बैकग्राउंड का कलर येलो कर देगा ये। जैसे कि मैं हुए को अगर माइनस किया तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। एंड सैचुरेशन को आप लोग को इंक्रीज कर देना, जिससे आपके यार बैकग्राउंड में और भी कलर इंक्रीज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग चले आते हैं लाइट ब्लू में, ठीक है। एंड अगर आप चाहो तो अपने बैकग्राउंड के अगर व्हाइटनेस डालना चाहते हो, लाइटनेस लाना चाहते हो, लाइट लाना चाहते हो, ब्राइट करना चाहते हो अपने बैकग्राउंड को, तो लुमिनेंस को इंक्रीज कर देना ग्रीन कलर में आने के बाद। एंड उसके बाद लाइट ब्लू में आने के बाद अगर हुए को डिक्रीज कर देना, एंड सैचुरेशन को भी डिक्रीज कर देना। एंड सेकंड बोल रहा हूँ, जो ब्लू है, ब्लू में आने के बाद अगर आप हुए को माइनस करोगे तो आपका जो क्लोथेज है, जो कलर है, ये कपड़े पर आपका ये इफेक्ट ला रही है, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो। तो आप लोग अगर बिल्कुल यहाँ पे साथ हो तो आप लोग सैचुरेशन का इंक्रीज कर देना, जिससे आपका यार क्लोथेस पे बिल्कुल ही अच्छी इफेक्ट आएगी। एंड उसके बाद मिक्स टूल से डन कर देना। एंड यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप जो था वो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो स्टेप थ्री हमारा ये है कि टोन एंड क्लैरिटी। तो हम लोग यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन में आना, एंड टेक्स्चर को सिक्स कर देना, एंड क्लैरिटी को यहाँ पे 5 करना, एंड विग्नेट को डिक्रीज कर देना, जिससे यार सब्जेक्ट पे आपका फोकस हो गया, एंड सब्जेक्ट थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक एरिया। एंड उसके बाद ऊपर की तरफ आप लोग को स्प्लिट टोन दिख रहा होगा, तो स्प्लिट टोन में आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना है, एंड जो ये राउंड सा जो है इसको आप लोग को यहाँ से रख लेना है, हाईलाइट रखना 25 एंड हाईलाइट सैचुरेशन को रखना 25 एंड हाईलाइट को रखना 228। सो ये कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ से डन कर देना। एंड का जब स्टेप थ्री कंप्लीट, एंड स्टेप फोर की तरफ चले आना। एंड स्टेप फोर में आप लोग को यहाँ पे डिटेल एंड शार्पनेस को इंक्रीज करना। तो यहाँ पर जो ट्रिंगल के जो बना हुआ आप लोग को नीचे की तरफ दिख रहा हो, ट्रिंगल डिटेल का ऑप्शन, तो डिटेल का ऑप्शन में आने के बाद आप लोग को शार्पनेस को इंक्रीज कर देना। एंड गाइस, यहाँ पे शार्पनेस का बिल्कुल ही अच्छा रोल होता है हमारे फोटो के अंदर, तो शार्पनेस को इंक्रीज करना है, नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करना है, डिटेल को यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज कर देना है, एंड शार्पनेस को और भी हल्की इंक्रीज कर लेता हूँ मैं।
तो शार्पनेस को और भी इंक्रीज कर लेना। हमारे फोटो के अंदर काफी अच्छा रोल होता है शार्पनेस का। एंड उसके बाद कलर नॉइज रिडक्शन को इंक्रीज करना, एंड डिटेल को इंक्रीज करना, एंड स्मूथनेस को इंक्रीज कर देना। एंड यहाँ पे हमारा फाइनली डिटेल एंड शार्पनेस वाला भी स्टेप हो चुका है कंप्लीट, मतलब स्टेप 4 हो चुका है हमारा कंप्लीट। एंड ये स्टेप 5 माना जाएगा, लेकिन अगर ना मानो तो को भी कोई ये नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारे फोटो के अंदर कितनी अच्छी इफेक्ट आ चुकी है। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर, तो हमारे फोटो के अंदर काफ़ी बढ़िया कलर डिटैचिंग हो चुकी है। तो स्टेप 4 कंप्लीट होते के साथ लगभग अपनी इस फोटो को कर लेंगे सेव। एंड गाइस इस फोटो को सेव कर लेने के बाद हम लोग मतलब दोबारा इस फोटो को हम लोग को ऐड कर लेना लाइटरूम के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड फोटो पे क्लिक करता हूँ एंड अपने इस फोटो को फिर से ऐड कर लेता हूँ। एंड जैसे हमारा ये फोटो फिर से इंपोर्ट हो जाएगा तो उसको फिर से हम लोग को क्लिक करना है। एंड ओपन कर लेने के बाद आप लोग को यहाँ फिर से आप लोग को कलर वाले ऑप्शन में चले जाना, ओके। एंड कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को डायरेक्ट मिक्स टूल में चले जाना। एंड मिक्स टूल में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को जो येलो कलर दिख रहा है येलो कलर में चले आना। एंड येलो कलर में आने के बाद हुए को डिक्रीज कर देना, माइनस में रखना हुए को, जिससे यार आपका बैकग्राउंड जो है वो ऑरेंज कलर का हो गया। तो ये कर लेना। एंड ये कर लेने के बाद आप लोग को चाहो तो यहाँ पे आप लोग अगर और कपड़े कलर थोड़ा सा और अगर लाना चाहते हो, इफेक्ट लाना चाहते हो अपने क्लोथेज में, तो आप यहाँ से सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकते हो लाइट ब्लू ब्लू में। एंड ये करने के बाद आप लोग को यहाँ से फेस में थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए आप लोग ऑरेंज कलर को थोड़ा सा छेड़ सकते हो। एंड यहाँ से आप लोग को फिर फाइनली डन कर लेना, ओके। सो ये कर लेना कि यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। एंड बिफोर और आफ्टर आप लोग देख लो, बिफोर आफ्टर ये नहीं बोलो, ये तो एडिटिंग करने के बाद ही कुछ मतलब ये ऑरेंज बनाया, ग्रीन था ग्रीन सॉरी येलो से ऑरेंज बनाया। सो ओके, सो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल होगी आज की वीडियो आप लोग के लिए। तो बाय यार, मिलता हूँ किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय।